हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि सिंटैक्स में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव जो करेक्ट करने के लिए आता है, सेंटर आता है, इनकरेक्ट को करेक्ट करते हैं, उसमें एडजेक्टिव के रूल सीखेंगे आप। इससे पहले वीडियो में आपने प्रोनाउन और नाउन के रूल सीखे थे, आज आप एडजेक्टिव रूल सीखेंगे। देखते हैं ध्यान से। करेक्ट दी सेंटेंसेस। ही इज जूनियर देन मी, वह मुझसे जूनियर है। ही इज जूनियर टू मी, आपको ध्यान रखना है। जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, प्रेफर। एक बार फिर सुनिए। जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, इंटीरियर, सुपीरियर या प्रेफर। इनके बाद देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मिस्टर शर्मा इज जूनियर देन मिस्टर वर्मा, तो यहां देन के स्थान पर क्या आएगा? टू। मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर वर्मा। इस तरह से द क्लाइमेट ऑफ सहारनपुर इज बेटर देन दिल्ली, कहने का मतलब सहारनपुर की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अधिक अच्छी है। जब एक जैसी दो वस्तु की तुलना करते हैं तो देन के बाद ध्यान रखना आपको दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, क्योंकि यहां हमने सहारनपुर की क्लाइमेट की तुलना, सहारनपुर की जलवायु की तुलना दिल्ली की जलवायु से की है, तो दोनों एक एक बात होगी। तो एक बात में देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग करना है, आपको याद रखना है, पॉइंट ये नोट करने का है, देन दैट ऑफ होता है। इसी तरह से दिस हाउस इज लार्जर देन मी, ये इसकी हिंदी बातें हैं, यह घर मेरे से बड़ा है। मेरे से बड़ा नहीं है भाई, यह घर मेरे घर से बड़ा है। तो इस तरह के सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इस तरह दिस हाउस इज लार्जर देन दैट ऑफ माइन, माइन प्रोनाउन है, मी एडजेक्टिव है, इसलिए यहां माइन का प्रयोग होगा सेंटेंस के अंत में, माइन का प्रयोग होगा। और देन दैट ऑफ जरूर लगाएंगे इसमें, क्योंकि यहां दोनों घरों की तुलना कर रहे हैं, एक जैसी वस्तु की तुलना के लिए देन के बाद दैट ऑफ आता है, और लास्ट में प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से सॉरी, यस, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, आयु में बड़ा, रिश्ते में बड़ा। आपको ध्यान देना है ओल्डर की तीन डिग्रियां, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, आयु में बड़ा, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, रिश्ते में बड़ा। भाई जो होता है रिश्ते में बड़ा होता है, तो इस तरह से करते हैं हम। परिवार के सदस्य के लिए चलेगा, अगर परिवार का सदस्य है ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, और ग्रुपिंग में चलेगा फ्रेंड वगैरह के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, ये करेक्ट वाक्य है, ओल्डर सही नहीं है। सविता इज मोर क्लेवर देन यू, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में, क्योंकि क्लेवर की कंपेरेटिव क्लेवरर है, क्लेवरर, तो मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लेवर का क्लेवर कर देंगे। सविता इज क्लेवर देन यू, सविता तुम्हारे से अधिक चतुर है। आई प्रेफर सिंगिंग देन डांसिंग, अब मैंने अभी आपको बताया था प्रेफर जूनियर सीनियर इंफेरियर इंटीरियर, इनके बाद जो है टू का प्रयोग करते हैं, तो देन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, टू सही है यहाँ पे। इसी तरह से माय मदर इज एल्डर देन योर मदर, यहाँ परिवार की बात नहीं है, अलग बात है, ग्रुपिंग की बात है, तो इसमें जो है एल्डर के स्थान पर ओल्डर का प्रयोग करेंगे। माय मदर इज ओल्डर देन योर मदर, मतलब कहने का मेरी माता तुम्हारी माता से उम्र में अधिक बड़ी है। तो डियर स्टूडेंट, यू आर टू नोट दिस बुक इन योर नोटबुक, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।